हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा। पूजा वर्मा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ रूह अफ़ज़ा शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं नेचुरल रूह अफ़ज़ा बनाऊँगी, बिल्कुल नो कलर यूज करूँगी, बिल्कुल कलर भी यूज नहीं करूँगी। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने गुलाब लिए। फ्रेंड्स देखिए, कुछ यहाँ पे मेरे गुलाब्स लगे हुए हैं, तो मैंने यहाँ इनको तोड़ लेती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से ये तोड़ के धुल लेंगे इनको। और रेड कलर के ही गुलाब चाहिए, तो मैं ये देखिए रेड कलर का ही तोड़ रही हूँ। तो देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे सारे लगभग गुलाब तोड़ लिए हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर रेड कलर के जो गुलाब, पिंक भी है और रेड भी है, दोनों कलर के तोड़ लिए हैं। तो चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये मार्केट से लिया है और ये घर पे ही लगा था मेरे। ये मैंने तोड़ा है और उनको अच्छे से धुल लिया है। तो इनकी पत्तियाँ जो है निकाल लेती हूँ इस तरीके से, सारी पत्तियों को निकाल के अलग कर लूँगी। तो यहाँ मैंने टोटल 100 ग्राम फूल लिया है। तो यहाँ आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने सारी पत्तियों को निकाल लिया है। ये देखिए, इस तरीके से पत्तियों को निकाल लेंगे। और यहाँ पे याद रखिए, आपको देसी वाले गुलाब ही चाहिए होंगे, क्योंकि देसी वाले गुलाब का बहुत ही अच्छा कलर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में 2 कप मैंने पानी डाल दिया है और गैस को ऑन कर दिया है मैंने। अब जो यहाँ पे मैंने गुलाब की पत्तियाँ जो निकाल के रखी हुई थी, वो डाल दूंगी इसमें। तो यहाँ पे इस तरीके से और इनको चलाते रहेंगे, ताकि हमें नेचुरल कलर ही मिले इसका। यहाँ साइड में मैंने एक बाउल रखा है, उसमें मैं 1 कप डाल रही हूँ इसमें चीनी। यहाँ पे देखिए, 1.25 कप मैं डाल रही हूँ पानी इसमें। ये देखिए, थोड़ा सा कम है इससे पानी, तो मैं ये डाल दूंगी इसमें और इसकी चाशनी बना लेंगे। तो इसको जो है लगातार इसको चलाते रहेंगे, कि जो नीचे जम जाती ना चीनी चाशनी बनाने, वो जम ना पाए। ये देखिए, इस तरीके से हल्के हाथों चलाते रहेंगे। आप देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा सा कलर जो है निकलता जा रहा है। ये देखिए, नेचुरल कलर बन के तैयार होगा। मैं इसको 2-3 मिनट पकाया है, अभी और भी पकाऊंगी इसको। देखिए, मुझे 5 से 7 मिनट हो गए हैं पकाते पकाते, और आप देख सकते हो कलर कितना बेस्ट निकल गया है हमारी गुलाब की पंखुड़ियों का। ये देखिए, बहुत अच्छा कलर है ये, और नेचुरल कलर है। और भी थोड़ा मैं डार्क कलर करने के लिए इसमें आप या फिर नींबू ऐड कर सकते हैं, आधा नींबू ले लीजिए आप, या फिर मैंने यहाँ पे लिया है सिट्रिक एसिड, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। तो मैं यहाँ पे 1/4 चम्मच डाल रही हूँ और इसको डाल के और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, मैंने सिट्रिक एसिड डाला और तुरंत ही इसका कलर कितना बेस्ट आ गया। ये देखिए, और भी डार्क हो गया है इसका कलर। तो हमें कोई भी कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है इसमें। ये देखिए, तो यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारी चाशनी जो है पक्के रेडी हो गई है, और देखिए बिल्कुल क्लीन है। मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ यहाँ पे, और जो चाशनी है मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये चाशनी जाने से हमारा कलर और भी बेस्ट हो गया है। ये देखिए, तो यहाँ आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने
20 से 25 मिनट इसको पका लिया है। ये देखिए लास्ट वाला ड्रॉप जो है रुक रुक के जाएगा, ये देखिए। तो यानी कि ये पक्के रेडी हो गया है। तो मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ यहाँ पे और इसको ठंडा करती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है। ये देखिए इस तरीके से मैंने ठंडा हो गया था तो इसको छान लिया है। ये देखिए हमारा एक कटोरी बनके तैयार हो गया है। इसी तरह आप भी बनाइए और दीजिए ठंडा ठंडा, सब करने में बहुत ही टेस्टी लगता है और गर्मियों में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ है ये। मैं इसकी ड्रिंक बना के दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए मैंने दो चार आइस लिए हैं, आइस क्यूब, और इसमें रू अफ़ज़ा डालूँगी थोड़ा सा, और मैं डाल रही हूँ इसमें पानी। और इसमें थोड़ा सा रू अफ़ज़ा और डाल देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया हमारा। ये लीजिए ड्रिंक बन के तैयार हुई है। और यहाँ पे देखिए ये बॉटल में भर लिया है मैंने, तो बहुत ही टेस्टी बना है ये। ये देखिए आप ही ट्राई ज़रूर कीजिए इसको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।